हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गेम जर्नी। तो दोस्तों, आज हम चलाने जा रहे हैं ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई सेंट्रल पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है। और देखिए, इंजन की बात करते हैं तो दोस्तों, अभी हमारा वेब 7 जो हमने डिज़ाइन किया था इंजन येलो कलर में, वो हमारा रेडी खड़ा हुआ है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को ले करके। और अभी हम मुंबई सेंट्रल के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े हुए हैं। और देखिए, हमारे पैसेंजर्स ऑलमोस्ट बैठ गए हैं दोस्तों, और ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है, और हम कुछ ही देर में इस प्लेटफॉर्म पर छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यात्री आपको चलते हुए दिख रहे हैं, और 56 पैसेंजर्स अभी बैठ गए हैं दोस्तों। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे ट्रेन जर्नी देखने को मिले दोस्तों। और एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और देखिए, हमने डोर्स बंद कर लिए हैं दोस्तों, और टोटल एटलीस्ट पुश कर दिया है हमने 20% दोस्तों। तो हमारी ट्रेन अभी निकल गई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से, और अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों अनंतपुर। हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा, अभी नेक्स्ट स्टॉप आई थिंक पुणे का रहेगा। पुणे जाएंगे, फिर उसके बाद अनंतपुर। पुणे, जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख भी रहा है, 1549 मीटर की दूरी पर पुणे का स्टॉप रहने वाला है दोस्तों। और इस बार इस वाले इंजन ने, जो ट्रेन है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, इसने अपनी फुल स्पीड अपनी क्रॉस कर दी 150 की। 154 आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, जो डिस्प्ले पे आपको दिखेगा। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जर्नी लेकर आता रहूं कंटिन्यू। और देखिए, ट्रैक चेंज होने वाला है दोस्तों 180 मीटर की दूरी पर, और नेक्स्ट स्पीड लिमिट हमको मिलने वाली है 130 मीटर की दूरी पर दोस्तों। और अभी देखिए, ट्रैक चेंज होने ही वाला है बस थोड़ी देर में, जो पुणे की तरफ जाएगा मुंबई सेंट्रल से। और देखिए, हमारी ट्रेन निकल चुकी है भाई, और लाइट काफ़ी तेज़ है इसमें। देखिए, सारे कोचेस के लाइट हमारे ऑन है। और देखिए, हमने एक सिटी को क्रॉस कर दिया है, जो कि मुंबई की सिटी थी, और अभी हम पुणे सिटी में एंट्री करने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। 1300 मीटर की दूरी पर रह गया है हमारा पुणे का स्टेशन। देखो दोस्तों, वेब 7 पावरफुल इंजन निकल चुका है अपने सही टाइम से, और अर्ली पहुंचा देगा ये पुणे को। और ग्रीन सिग्नल हमें मिला हुआ है अभी आगे 212 मीटर की दूरी पर दोस्तों। और ये देखिए, क्रॉसिंग काफ़ी बेस्ट अपने आप में रही है। और देखो भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई है। तो एक सिटी में से हम निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट हम पुणे में मुझे लग रहा है एंट्री कर चुके हैं। 1000 मीटर की दूरी पर ही रह गया है सिर्फ हमारा पुणे स्टेशन, इसका मतलब पुणे में एंटर कर चुके हैं दोस्तों। और देखिए, रीच पुणे 22 मिनट की दूरी दिखा रहा है, लेकिन हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, अराउंड 5-7 मिनट में ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 750 मीटर की दूरी रह गई है। देखो दोस्तों, ट्रेन ने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली है। और भाई, वेब 7 इंजन काफ़ी फेमस है अपने आप में, इलेक्ट्रिक इंजन है, तुरंत ही स्पीड पकड़ता है, और तुरंत ही इसके ब्रेक कंट्रोल अपने आप में काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। 132 हमने अभी टच कर दिया है दोस्तों, और येलो सिग्नल मिल गया है अभी 200 मीटर की दूरी पर, और 300 मीटर की दूरी पर दोस्तों देखिए पुणे जंक्शन आ गया है। और अभी हम ट्रेन की स्पीड को 134 से कम कर लेते हैं दोस्तों फिलहाल, क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया है दोस्तों। ये देखिए, वेब 7 आपको काफ़ी शानदार देखने को मिला। और देखिए, साइड में हमारा खड़ा हुआ है राजधानी एक्सप्रेस, देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस। और हमने 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगा दिया है, वहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही निकली थी ट्रेन, और यहाँ भी दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही लगी हुई है, जो कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलेगी अभी अनंतपुर के लिए दोस्तों। तो अभी इंजन हट पे इसको रोकते हैं, 20 मीटर की दूरी पर जो एरो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, वो इंजन हट है, और वहाँ पर हम इस ट्रेन के इंजन को रोकेंगे। और देखिए, सामने रेड सिग्नल हमें मिल गया है 40 मीटर की दूरी पर, और डोर्स अभी ओपन करते हैं दोस्तों। पैसेंजर्स इसमें उतरते हुए भी दिखेंगे आपको, ये देखो उतर रहे हैं। तो भाई, अभी जो रह गया है जल्दी से उतर जाइए, फिर ग्रीन सिग्नल होने वाला है। और देखिए, पैसेंजर्स बैठ रहे हैं अब उतरने के बाद, 25 हो गए हैं अभी, और बढ़ रहे हैं अभी। देखिए, एक डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा अजमेर एक्सप्रेस 1038 मीटर की दूरी पर अप्रोचिंग कर रही है, जिसकी वजह से हमें
सिग्नल नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, और नॉन स्टॉप ट्रेन है मुंबई से आपका अजमेर के लिए। तो अभी हम कुछ ही देर में चलेंगे दोस्तों। येलो सिग्नल तो मिल गया है, उस ट्रेन ने क्रॉसिंग कर दिया। अभी थोड़ी देर में हमें मिल जाएगा ग्रीन सिग्नल, जब हम इस ट्रेन को निकालेंगे यहाँ से प्लेटफॉर्म से। देखिए दोस्तों, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है आपको आज देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहने वाला है दोस्तों अनंतपुर, और जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा वो हमारा लास्ट स्टेशन रहने वाला है। पुणे जंक्शन से अभी हमारी ट्रेन निकलने वाली है दोस्तों, और अनंतपुर के लिए। और अब जो स्पीड आने वाली है भाई, आपकी आँखें हिल जाएंगी बिल्कुल। 154 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों, जो कि पहले नहीं देखने को मिली होगी। 140, 145, 148 तक मैक्सिमम हमने चलाई थी, और आज इस ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर का मिला हुआ है। इतनी स्पीड पर आप चल सकते हैं आराम से। तो भाई अभी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, और देखिए आंटी जी जा रही हैं कुछ सामान लेकर के। जल्दी से जिसको खाना है वो खा लीजिए, लेकर के हमारी ट्रेन निकलने वाली है। फिलहाल हम हॉर्न देते हैं और ट्रेन को निकालते हैं। देखो साइड में, देखो आपको देखने को मिल रही है शताब्दी एक्सप्रेस। तो देखिए दोस्तों, वो जा रही लेफ्ट पे, वापस जा रही है मुंबई की तरफ, और अनंतपुर हम जाने वाले हैं। तो हम अभी निकल चुके हैं पुणे स्टेशन से, 40 मिनट की दूरी रह गई है बस। अभी हॉर्न बजाते हुए हम चलते हैं, ग्रीन सिग्नल 20 मीटर की दूरी पर है हमारा, और नेक्स्ट स्पीड लिमिट हमारी 175 मीटर की दूरी पर। पता चलेगी कितनी स्पीड में हम इस ट्रेन को अभी निकालेंगे। और ट्रैक चेंज होने वाला है दोस्तों अनंतपुर के लिए, 200 मीटर की दूरी पर सिर्फ, और 28 पैसेंजर्स इसमें अभी बैठे हैं इस स्टेशन से, जिनको अनंतपुर जाना है। तो दोस्तों ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही हमारी, एक लाइक ज़रूर कर देना आप इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको आने वाले सारे गेम्स देखने को मिलते रहें, सारी जर्नी देखने को मिलते रहें। और देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन अभी स्पीड पकड़ेगी बस थोड़ी ही देर में, 5-7 मिनट के अंदर जस्ट। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए भाई, पुलिया जो कि पुलिया आप देख रहे हो, वो पुलिया समुंदर के अंदर है जो रियल में है, और ट्रेन उसके नीचे से जा रही है। देखो भाई, क्रॉसिंग हमने कर ली है उस ब्रिज को, और अभी हम अनंतपुर के लिए निकल गए। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा था आपको स्पीड के बारे में बात करेंगे अभी। तो स्पीड देखो भाई हमारी बढ़ रही है, देखो धीरे धीरे 97, 98, 100 क्रॉस कर गया है दोस्तों अभी। एक नज़र स्पीड पर ज़रूर डाले रखना आप। देखिए सिटी में से हम निकल रहे हैं, अनंतपुर सिटी में हमने एंटर कर दिया है, और भाई 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हमारी जनकपुरी एक्सप्रेस जा रही है दोस्तों। और अभी स्पीड 154 आपको दिखाई देगी थोड़ी ही देर में। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक रेलवे स्टेशन को, जहाँ पर हमें रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप हमारी ट्रेन जाएगी। देखो भाई, हॉर्न देते हुए चलते हैं, और ग्रीन सिग्नल हमें मिला हुआ है, तो रुकना नहीं है हमें। नेक्स्ट स्टॉप पे हम रुकेंगे दोस्तों। देखिए सीटिंग एरिया काफ़ी क्लीन आपको देखने को मिलेगा। तो भाई डिस्प्ले पे आप नज़र डालिए, 140 क्रॉस कर दिया है, और अभी हमारी जो ट्रेन है 154 किलोमीटर की स्पीड आपको देखने को मिलेगी दोस्तों डिस्प्ले। और देखो भाई, कितनी तेज़ी में हमारी ट्रेन निकली है, मतलब बराबर वाली ट्रेन हमें दिखाई नहीं दी भाई। देखो 150 हमने क्रॉस कर दिया अभी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस वीडियो को देखकर, लाइक एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देखिए 154 अब हो चुकी है क्रॉस, और हमारा स्टेशन अनंतपुर आ गया है दोस्तों। अभी स्पीड को हम धीरे कर लेते हैं, ताकि ईजीली हम ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोक पाएँ अनंतपुर के स्टेशन पर। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गेम में दोस्तों। ये देखिए अभी हमारी ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इसकी स्पीड एकदम तेज़ पकड़ती है, और ब्रेकिंग सिस्टम भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। और हमारी ट्रेन देखो ये रुक गई है दोस्तों अभी। तो अभी हम पैसेंजर्स को उतारते हैं और इस जर्नी को कम्प्लीट करते हैं दोस्तों। आप देखिए अभी हमारी ट्रेन रुकने वाली है अनंतपुर स्टेशन पर, कुछ 17-18 मीटर की दूरी पर है। देखो भाई, ये काफ़ी सारे साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये आपको काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो दोस्तों हमने ट्रेन को रोक दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप
मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेम में। बाय बाय।